हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग डेफिनेशन, जो कि डिफरेंट ऑथर्स या कंपनीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट, इसके 4 A's, फीचर्स और डिस्क्रिप्शन में रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है रूरल मार्केटिंग का मीनिंग। रूरल मार्केटिंग, रूरल वर्ड से आपको बताओ कि ग्रामीण या जो गांव वाले इलाके होते हैं हम उसको बोलते हैं रूरल। वहाँ पे आपको मार्केटिंग करना है। तो इसका मीनिंग होता है रूरल मार्केटिंग रिफर टू दी प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस लीडिंग टू एन एक्सचेंज बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केट विच सेटिस्फाइड कस्टमर डिमांड एंड ऑल्सो अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो रूरल मार्केटिंग होता है इसका मीनिंग होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डेवलप करते हैं, प्राइस रखते हैं, चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज को, ताकि हम देख सकें कि कैसे एक्सचेंज करना है उनको रूरल को अर्बन मार्केट से, और वहाँ के जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड को कैसे सेटिस्फाइड करना, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है कि रूरल मार्केट को उनको कवर करना है उसको कैसे अचीव करेंगे। तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको डेवलप करते हैं, प्राइस रखते हैं, प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2011, रूरल मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे की पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा ना हो और जो भी डेंसिटी है वो 4000 पर स्क्वायर किलोमीटर हो, एटलीस्ट 70% वहाँ पे मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज एग्रीकल्चर में होती है, उसको हम रूरल मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकेशन जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उसके आसपास उससे कम है और जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से 1,00,000 है उसको सेमी अर्बन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, प्लेस जहाँ की पॉपुलेशन 15,000 तक है वो रूरल एरिया। नावर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी लोकेशन, विलेज या टाउन जहाँ पे की 10,000 तक की पॉपुलेशन हो वो रूरल एरिया। और मोस्ट ऑफ दी FMCG कंपनीज मानती है कि जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 तक है वो रूरल एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रूरल मार्केटिंग इज प्रोसेस दैट स्टार्ट विद डिसीजन टू प्रोड्यूस अ सेलेबल फार्म कम्युनिटी एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर सिस्टम बोथ फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल दैट आर बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इट इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी रूरल मार्केट एक प्रोसेस है जिसमें कि आप डिसीजन लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, वहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सिस्टम क्या है, क्या फंक्शनल या इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आप उनको देखते हैं। इसमें इंक्लूड होता है कि आप चीज़ों को करने से पहले उसको जानेंगे, फिर उनको असेंबल करेंगे, ग्रेड देते हैं, स्टोरेज को देखते हैं, वेयर हाउसिंग को देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको रूरल एरिया में करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी होगी कि वहाँ पे सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग डिफाइंड एज अ मैनेजिंग ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन असेंबलिंग, एस्टिमुलेटिंग एंड कन्वर्टिंग द परचेसिंग पावर ऑफ रूरल कस्टमर इनटू इफेक्टिव डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड मूविंग देम टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। जो भी रूरल मार्केटिंग है डिफाइन करता है कि कैसे आप सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, उनको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे आप देखते हैं कि उनको आप कन्वर्ट करेंगे, उनकी परचेसिंग पावर को देखना है, जो भी उनकी इफेक्टिव डिमांड है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर उसको फुलफिल करना, जो भी रूरल एरिया में लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है टू क्रिएट सेटिस्फेक्शन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दोस अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें आप लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इसमें इन्वॉल्व होता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मार्केटिंग फंक्शन का रूरल एरिया के अंदर। नेक्स्ट आता है कि जो रूरल मार्केट होता है इसको हम दो मेन ब्रॉड कंपोनेंट्स में देखते हैं। जो भी मार्केट फॉर कंज्यूमर गुड्स है जिसमें कि आपके ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोनों आते हैं। दूसरा आता है एक मार्केट है एग्रीकल्चर इनपुट्स का, जिसमें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स और कुछ अदर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के इनपुट्स होते हैं रूरल एरिया के, और कुछ वो पर्सनली उसके लिए ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो इसको दो वे प्रोसेस बोला जाता है, अर्बन टू रूरल और रूरल टू अर्बन, पर इसमें रूरल टू रूरल भी होता है। तो जो अर्बन टू रूरल होता है ये प्रोसेस होती है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को अर्बन मार्केट से ले जाके रूरल मार्केट में
सेल करते हैं लाइक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एफएमसीजी गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ताकि रूरल एरिया के कस्टमर की डिमांड को आप सेटिस्फाइड कर सकें। सेकेंड आता है अर्बन टू रूरल, एक प्रोसेस है जो भी रूरल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सेल करते हैं इनके गुड्स को अर्बन मार्केट में। ये कोई डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं होता है, इसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं मिडिलमैन, एजेंसी, गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव, जो कि इनिशिएटिव लेते हैं कि कैसे सक्सेसफुली सेलिंग की प्रोसेस को करना है एप्रोप्रिएट प्राइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है रूरल टू रूरल, ये एक प्रोसेस है जिसमें इंक्लूड होता है कि हम कैसे सेलिंग करेंगे, कैसे एक्सचेंज करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, टूल्स, कैटल्स, कार्ट्स, जो कि विलेज में, मतलब लोग विलेज में ही प्रोडक्ट को बाय सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी फोर एज ऑफ रूरल मार्केटिंग, की रूरल मार्केटिंग के कौन से इंपॉर्टेंट फोर एज होते हैं, जिसमें है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस। तो फर्स्ट आता है अफोर्डेबिलिटी, जो भी रूरल एरिया है उनमें जो लोग रहते हैं उनकी इनकम जो होती है बहुत कम होती है, उनके पास पैसे कम होते हैं अगर कंपेयर किया जाए सिटी से। तो जो कंज्यूमर होते हैं वहाँ के वो अफोर्डेबल लग्जरी आइटम्स को देखते हैं, जो भी चीजें उनके लिए नेसेसरी है या जो चीजें उनके बजट में वो उन चीजों को लेना परचेस करना पसंद करते हैं। तो हमेशा ये प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हो और उनको बजट में ध्यान में रखते हो ताकि वो उनको अफोर्ड कर सके, उसके लिए बनते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी, एक बिगेस्ट चैलेंज होता है रूरल मार्केट का कि कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिले, क्योंकि उनकी लो इनकम होती है, वो कम पैसे खर्च करते हैं हर दिन, तो वहाँ पे जो भी स्टोर्स है वो भी कम होते हैं, उनके पास जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैरायटी की बात की जाए तो वो कम होती है। तो कंपनीज ट्राई करती है कि वो देखे कि कौन से प्रोडक्ट को लेना है, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे मार्केटिंग भी करवाती है और फिर उनको डिलीवर करती है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली हो, मतलब रूरल कंज्यूमर गाँव के लोग भी उसका बेनिफिट ले सके, वो लोग उस पर्टिकुलर चीज को अच्छी तरीके से यूज कर सके, उसको वो जितना अमाउंट दे रहे हैं उनको उतनी वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मिले, वो कंफर्टेबल फील करे ना कि हेजिटेट। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस, जो भी रूरल कस्टमर है उनके लिए आपको कैंपेन्स चलाने होंगे, कस्टमर की क्या थिंकिंग है उनके लिए, कॉमर्शियल, टीवी, रेडियो या आउटडोर्स के आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, उनकी नीड पे फोकस करना, कम्युनिकेशन का कौन सा मीडिया आप यूज करेंगे, एंटरटेनमेंट को देखना, तो ये सारी चीजों को आप देखते हैं कि आप अवेयरनेस को इंक्रीज करें उनके लिए ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदें। नेक्स्ट आता है कि क्या फीचर्स होते हैं रूरल मार्केट के, मतलब क्या विशेषता या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है लार्ज एंड सेक्टर्ड पॉपुलेशन, जो भी रूरल एरिया होता है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बिखरी हुई होती है, ज्यादा तो होती है पर वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहती है तो आप उनको इजीली जान नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है हायर परचेसिंग कैपेसिटी, जो भी रूरल एरिया में लोग हो रहे हैं उनकी परचेसिंग करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं पहले की बात करें तो उसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट आता है मार्केट ग्रोथ, अब वहाँ पे भी मार्केट की ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे भी आपको सारे टाइप के प्रोडक्ट्स, स्टोर्स और सारी चीजें मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, अब लोगों की ट्रेन रोड की कनेक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई तो लोग इजीली ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड या लाइफ जीने का तरीका बहुत लो होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल आउटलुक, जो भी वो चीजें देखते हैं वो ट्रेडिशनली तरीके से देखते हैं और उन्हीं पे फोकस करते हैं कि हर चीज को वो ट्रेडिशन या कल्चर के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स, आपको देखना कि जो रूरल का 7 P's होते हैं हमारे में लिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, तो आपको देखना उन सारे कॉम्बिनेशन को ताकि आप सही डिसीजन लें। नेक्स्ट आता है कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, और लास्ट आता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को देखें कि वो अच्छी डेवलप होनी चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है और रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।